हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोगे के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं जहाँ पे तीस लीग मैच के बाद PSL का टूर्नामेंट प्लेऑफ स्टार्ट हो चुका है, जो कि टॉप चार टीम ने क्वालिफाई किया। वहीं आपको 15 मैच को पहला एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा, जिसमें टूर्नामेंट के नंबर 3 और नंबर 4 की टीम आमने सामने होने वाली है। इस मैच में आपको दो ओल्ड कम्पिटिटर आमने सामने दिखेंगे, जिसमें क्वेटा के लिए डेटे और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे। इस मैच में जो जीतेगा वो क्वालिफायर की ओन की हारने वाली टीम से फिर से खेलेगा। वहाँ पे जीतने के बाद सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा। यह मैच आपको 15 मार्च को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी आपको 35% रहेगा और टेम्परेचर 19°C रहेगा। वहीं अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 23% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 77% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं अवे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का वे स्कोर 179 है, तो वहीं सेकंड इनिंग का वे स्कोर 161 है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैच जीत के आ रही, तो वहीं पे क्वेटा के लिए डेटियस भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, हमारे स्क्रीन पे वीडियो भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी जबरदस्त चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं यानी पहली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर टीम ने टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर लास्ट 6 मैच में से जहाँ पे 4 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर अगर 10 मैच में बात करते हैं, जहाँ पे 4 और 5 जीत के साथ टीम टेबल नंबर 3 पे आ गई है। टीम के कैप्टन की बात करें, जो कि ऑलराउंडर जहाँ पे शादाब खान आपको मिल रहे हैं, वहीं पे ओपनिंग में कॉलिन मुनरो एलेक्स हेल्स की जोड़ी देखने को मिल रही है। मुनरो ने टीम के लिए टॉप स्कोरर भी है, उन्होंने 309 रन बनाए। नंबर 3 पर जहाँ पे आ गया सलमान, जो कि वो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने अब तक 9 मैच में 264 रन बनाए। वहीं कैप्टन की बात करें, जो कि सदाम ने लास्ट गेम में 54 रन बनाए थे, उन्होंने अभी तक 278 रन बनाए। अगर लोअर टर्न में बात करें, जहाँ पे विकेट कीपर में आजम खान है, हैदर अली जो कि मैच को कभी भी फिनिश कर सकते हैं। बॉलिंग में जहाँ पे आपको नसीम शाह जो टीम के पेस अटैक को लीड कर रहे हैं, हुनैन साहब जो कि फॉर्म बिगड़ी हुई है, वहीं पे फहीम अशरफ इकोनॉमिक स्पेल डाल रहे हैं। जहाँ पे शादाब खान 9 इनिंग में 10 विकेट लेकर टॉप पे स्टेबल है। स्पिन डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको इमाद वसीम लीड कर रहे हैं, साइमन मिंस भी लास्ट गेम में बहुत मांगे पड़ गए थे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुनरो है, शादाब खान है, अगस्त सलमान है, आजम खान है, हैदर अली है, नसीम शाह है, हुनैन शाह, इमाद वसीम, फहीम अशरफ और ताइम अमीन से। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जहाँ पे अगर सलमान है, कॉलिन मुनरो, शादाब खान है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी क्वेटा के लिए डेटेस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में अब तक एवरेज का परफॉर्मेंस करके आ रही है। टीम यूनिट पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कुछ एक प्लेयर को मैच ही जिताया है। यहाँ पे 10 मैच खेलकर 5 जीत और 4 हार के साथ टीम पॉइंट टेबल नंबर 4 पे आ गई है। अगर यहाँ पे टीम अगर जीत जाती तो एलिमिनेटर 2 खेलेगी। वहीं साउथ अफ्रीका के जहाँ पे रिली रोसो जो टीम के कैप्टन है, यह एकमात्र फॉरनर प्लेयर कैप्टन है जो PSL में कप्तानी कर रहे हैं, बाकी 5 टीम के कैप्टन पाकिस्तान के ही प्लेयर है। अगर ओपनिंग में बात करें, जहाँ पे आपको जेसन रॉय और सौ शकील की जोड़ी देखने को मिल रही है, सौ शकील ने 9 मैच में 323 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। जेसन रॉय का फॉर्म अभी तक डाउन चल रहा है। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें, जहाँ पे उमर यूसुफ और कप्तान रोसो खेल रहे हैं, रोसो ने पूरे सीजन में बैट से फ्लॉप ही चल रहे हैं। विकेट कीपिंग में जहाँ पे लॉर्ड इवेंस को प्लेइंग 11 में चांस मिला था। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है यहाँ पे क्वेटा का, जहाँ पे सीनियर पेसर मोहम्मद आमिर जो टीम को लीड कर रहे हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट लिए थे। वहीं पर अबरार अहमद जो कि लाइन लेंस को सही से यूज कर रहे हैं, अबरार ने 15 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। मोहम्मद वसीम विकेट लेने में अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, जहाँ पर उस्मान तारिक जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था, वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पर जेसन रॉय है, सॉस अकेले, रिली रोसो, ख्वाजा नफ्स है, उमर यूसुफ है, लॉरी इवेंस है, अकील हुसैन है, मोहम्मद वसीम, अबरार अहमद है, मोहम्मद आमिर, सोहेल खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात करें, जो कि जेसन रॉय है, सॉस अकेले, अबरार अहमद है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं चलते विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच मैंने यहाँ पे क्वेटा के लिए डेटेस होगा, यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड को हार मिल सकता था। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।